अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और आज की इस वीडियो में मेरे पास मौजूद है हुआवे Mate 20 Pro। Mate 20 Pro के बारे में आप सभी जानते होंगे कि हुआवे की जानिब से ये मोस्ट अवेटेड फ्लैगशिप डिवाइस था जिसका बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं। इस फोन की अनाउंसमेंट की गई थी अक्टूबर 2018 में और उसके बाद इसे नवम्बर में रिलीज कर दिया गया और अब ये फोन पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में हम इस फ़ोन के कुछ स्पेसिफिक फ़ीचर्स डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक फ़ीचर्स पे बात करेंगे और आपको इसके स्पेक्स से आगाह करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फ़ोन के बॉक्स पे और इसको करते हैं हम अनबॉक्स। फ़ोन को अनबॉक्स करते ही हमें नज़र आता है हुआवे Mate 20 Pro। आइए इसके बॉक्स को भी देखते हैं। इसके बॉक्स पर जो हमारे पास यहाँ पे डिवाइस का नाम है वो हुआवे Mate 20 Pro है। इसके अलावा जिस कलर में हमारे पास ये अवेलेबल है, ये डीप सी ब्लैक कलर में हमें अवेलेबल है। तो आइए अब करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स। फ़ोन को अनबॉक्स करते ही हमें मिलती है फ़ोन के सिम जैक को ओपन करने के लिए पिन, उसी के साथ हमें मिलता है फ़ोन का प्रोटेक्शन केस और कस्टमर गाइड बुक। इसके अलावा इसमें हमें मिलती है USB केबल, हमारा अडॉप्टर, फास्ट चार्जिंग के लिए फास्ट अडॉप्टर हमारे पास मौजूद है। तो ये हो गई फ़ोन की अनबॉक्सिंग और अब आते हैं फ़ोन पर। सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की। फ़ोन का जो डिस्प्ले है उसकी टाइप AMOLED कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन है और इसमें 16 मिलियन कलर्स यूज़ किए गए हैं। अगर इसके साइज़ की बात करें तो इसका स्क्रीन साइज 6.39 इंचेस है, जिसके साथ हमें 1440x3120 पिक्सल्स की बेहतरीन रेजोल्यूशन मिलती है। और अगर हम इसके डिस्प्ले पे इसकी स्क्रीन की प्रोटेक्शन की बात करें तो इसको प्रोटेक्ट किया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से। अब आते हैं फ़ोन की बॉडी पर। फ़ोन की बॉडी का फ्रंट और बैक जो है वो ग्लास से बना हुआ है और इसका जो फ्रेम है वो एलुमिनियम का है। तो फ़ोन का वेट 189 ग्राम है, जो कि 6.67 औंस बनता है। इस फ़ोन में आप सिंगल सिम यूज़ कर सकते हैं जो कि नैनो सिम होगी और इसमें आप हाइब्रिड डुअल सिम भी यूज़ कर सकते हैं डुअल स्टैंड बाई के साथ। बॉडी के डिज़ाइन पर आए तो बॉडी का डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है और हाथ में पकड़ने में भी काफ़ी कम्फर्टेबल है। तो अब आते हैं फ़ोन के प्रोसेसर पर। इसका जो OS वर्जन है, नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स में OS वर्जन एंड्रॉयड 8 होता है 8.0, लेकिन इस फ़ोन में OS वर्जन एंड्रॉयड 9.0 यूज़ किया गया है। इसका चिपसेट हाई सिलिकॉन किरन 980 है और इसका CPU ऑक्टोकोर 2x2.6 GHz कॉर्टेक्स A76 एंड 2x1.9 GHz कॉर्टेक्स A76 एंड 4.18 GHz कॉर्टेक्स A55 है और इसका GPU माली G76MP10 है। प्रोसेसर के हवाले से भी ये फ़ोन हर लिहाज से बेहतरीन है। अब आते हैं फ़ोन की मेमोरी पर। नॉर्मली ये फ़ोन दो तरह की मेमोरी में अवेलेबल होता है। एक में इसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो 256 GB होती है और इसकी रैम 8 GB है, और दूसरे में 128 GB के साथ हमें 6 GB की रैम मिलती है। इस वक्त हमारे पास जो हुआवे Mate 20 Pro है उसकी 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है और 6 GB की रैम है। इसके अलावा आप अपने फ़ोन की स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं उसमें नैनो मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके, जो कि अप टू 256 GB को सपोर्ट करता है, और इसका जो नैनो मेमोरी कार्ड है वो सिम 2 का स्लॉट यूज़ करता है। तो अब आते हैं कैमरा के फीचर पर, जो कि इस फ़ोन का मेन और स्पेशलाइज्ड फीचर है। इस फ़ोन में ट्रिपल कैमरा यूज़ किए गए हैं। इसका जो पहला कैमरा है वो 40 MP का है, जिसका अपर्चर 27mm वाइड अपर्चर है, और इसके अलावा इसमें आपको PDAF और लेज़र AF के फीचर्स मिलते हैं। दूसरा कैमरा इसका 20 MP का है और उसका अपर्चर 16mm का है, जो कि अल्ट्रा वाइड अपर्चर है, और उसमें भी आपको PDAF और लेज़र AF के फीचर्स मिलते हैं। नाज़रीन, जो इसका तीसरा कैमरा है वो 8 MP का है, उसका अपर्चर 80mm का है, जिसमें आपको टेलीफोटो का फीचर भी मिलता है, और इसके अलावा इसका जो तीसरा कैमरा है उसके अंदर 5x ऑप्टिकल जूम की सलाहियत मौजूद है। उसके अलावा आपको OIS, PDAF और लेज़र AF के फीचर्स भी इसी में मिलते हैं। तो नाज़रीन, ये तो इसके कैमरास की बात हो गई। अब इसके कैमरा को ओपन करते हैं और जो हमें फ़ोन के अंदर फीचर्स मिलते हैं उनकी बात करते हैं। आपको पैनोरामा HDR इफेक्ट मिलता है, आप चाहें तो पोर्ट्रेट मोड में अपने पिक्चर्स ले सकते हैं, नाइट मोड आपके पास अवेलेबल है, प्रो मोड आपके पास अवेलेबल है, और इसके कैमरा में ढेर सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए आप बेहतरीन पिक्चर्स हासिल कर सकते हैं। तो अब ज़रा नज़र डालते हैं इसके फ़ोन के कैमरा से ली गई पिक्चर्स पर। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के कैमरा से जो पिक्चर्स ली गई हैं किस कदर क्लियर हैं, उनके पिक्सल्स किस कदर स्ट्रॉन्ग हैं, और मैं इनको जितना मर्जी जूम करूं तो आपको पिक्सल्स फटते हुए बिल्कुल महसूस नहीं होंगे, और जो इसके AI कैमरा से ली गई पिक्चर है उसका इमेज बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ इसके पिक्चर्स का डेमो। तो अब आते हैं फ़ोन के सेल्फी कैमरा पर, यानी कि इसके फ्रंट कैमरा पर। इसका फ्रंट कैमरा सिंगल कैमरा है 24 MP का, जिसका अपर्चर 26mm वाइड है, और इसके सेल्फी कैमरा में भी आपको HDR का फीचर मिलता है और इसके वीडियो में आपको 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन मिलती है।
तो अब आते हैं फ़ोन की कनेक्टिविटी पर। हर फ़ोन की तरह आपको इस फ़ोन में भी वाईफाई डायरेक्ट और हॉटस्पॉट के ऑप्शंस मिलते हैं। जिसका वाईफाई है वो डुअल बैंड है, और इसके अलावा आपको इसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मिलता है, GPS सिस्टम, NFC, इंफ्रारेड पोर्ट, रेडियो और USB की टाइप सी की जैक भी आपके पास मौजूद है, जो कि रिवर्सिबल कनेक्टर है। और इसके अलावा आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है, और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर की सबसे अहम बात यह है कि इसका अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। बहुत ही कम मोबाइल ऐसे हैं जिसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और Huawei Mate 20 Pro उन डिवाइसेज में से एक है जिसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो अब आते हैं फ़ोन की बैटरी पर। इस फ़ोन की बैटरी भी इस फ़ोन का एक अहम फीचर है, क्योंकि हर फ़ोन में हमारी यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि फ़ोन का कैमरा अच्छा हो, फ़ोन का डिज़ाइन अच्छा हो, फ़ोन की स्टोरेज और फ़ोन की बैटरी अच्छी हो। तो हम बात करते हैं इसकी बैटरी पर। इस फ़ोन में आपको फास्ट बैटरी चार्जिंग मिलती है, जिसमें आपको 40 वॉट्स मिलते हैं, जो कि आपके फ़ोन को 70% चार्ज कर देगा सिर्फ 30 मिनट्स में। और इसकी बैटरी नॉन रिमूवेबल लीपो 42,000 mAh की बैटरी है। तो अब बात करते हैं इस फ़ोन के कलर्स की। ये फ़ोन एमरल्ड ग्रीन, मिडनाइट ब्लू, ट्वाइलाइट पिंक, गोल्ड और ब्लैक कलर में आपको अवेलेबल है। तो नाज़रीन, अब ज़रा एक्सप्लोर करते हैं फ़ोन की बॉडी को। अगर हम फ़ोन की लेफ़्ट साइड पर देखें तो ये बिल्कुल प्लेन साइड है। नॉर्मली जिस तरह एंड्रॉयड फ़ोन में हमें यहाँ पर सिम की ट्रे मिलती है, तो आपके यहाँ पर सिम ट्रे अवेलेबल नहीं है। जबकि हम इसके नीचे वाली साइड पर देखें तो इसके चार्जिंग जैक के साथ ही हमें सिम ट्रे भी मिलती है। नीचे हमें सिर्फ दो चीज़ें मिलती हैं, जो कि इसकी सिम ट्रे और इसकी चार्जिंग जैक है। उसकी वजह यह है कि टाइप सी की इसकी चार्जिंग जैक है, और इसी को आप लोग एज अ हैंड फ्री जैक भी यूज़ करेंगे इन्वर्टर यूज़ करके। उसके अलावा एक और दिलचस्प बात कि इस फ़ोन में आपको साउंड के लिए जो स्पेसिफाइड होल्स होते हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो भी इस जैक के अंदर ही फिक्स इन है। और अगर फ़ोन की बैक साइड की बात करें, फ़ोन की बैक साइड पर आपको उसके 3 ट्रिपल कैमराज मिलते हैं, और उसी के साथ आपको इसकी फ्लैश मिलती है। अब यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी फ्लैश का भी फीचर ज़रा डिफरेंट है। ये फ्लैश डुअल फ्लैश है और डुअल टोन फ्लैश है, यानी कि आपको डुअल टोन में ये फ्लैश अवेलेबल है, जो कि आपके पिक्चर्स को मज़ीद क्लियरर बनाती है। तो जी नाज़रीन, ये थे Huawei Mate 20 Pro के कुछ बेसिक फीचर्स। इनके डिटेल फीचर्स पर भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। इनके डिटेल फीचर्स में इसका वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, इसके वीडियो और कैमरा इफेक्ट्स हैं, इसकी फ्रूट रिकॉग्निशन का फीचर है, इसकी इंटरनेट स्पीड है, और इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे इसके अगले रिव्यू में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।